नेक्स्ट जो हमारी अपकमिंग रैली थी, यानी हमारी रैली थी द्वारका में, जो मई में शेड्यूल थी, मई में देवभूमि द्वारका में रैली थी, उसके लिए लोगों ने एप्लीकेशन भरी थी। बट उसी दौरान अगेन जब मार्च में एप्लीकेशन भरने का टाइम आया था, तो उसी दौरान कोविड का भी जो है प्रोटोकॉल आया, लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण कुछ 25-30 हज़ार के करीब बच्चों ने एप्लीकेशन भरी थी और कुछ भर नहीं पाए होंगे। तो वो हमने फिर पोस्टपोन करी रैली अक्टूबर में। आपको पता होगा 12 मई वाली रैली जो है हमने अक्टूबर में पोस्टपोन करी है। बट जो अक्टूबर में भी जो रैली है, हम उसके लिए अभी कंफर्म नहीं है कि वो अक्टूबर में होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है रैली के दौरान बहुत सारे लोग जो है, नीरज आप अपना वीडियो बंद कीजिए प्लीज। जो भी आपको आपको पता है कि जितने भी हम रैली होती है, रैली में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल क्या बोलता है, सोशल डिस्टेंसिंग और डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल। जब आपको पता है कि आपको रन कैसा होता है, बच्चे आके कैसे बैठते हैं, तो ये समस्याओं के कारण अभी हम लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है कि अक्टूबर में ये रैली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि अक्टूबर का रैली जो है डिफिकल्ट है, वो आगे पोस्टपोन होने की संभावना है। जिसने पहले एप्लीकेशन भरी है, वो एप्लीकेशन अभी भी रहेंगी, वो कंटिन्यू रहेंगी। जब भी रैली फाइनल होगी, हो सकता है दिसंबर में हो सकता है जनवरी में हो, मोस्ट प्रॉबली हमें लग रहा है कि अब वो जनवरी तक खिसक जाएगा। अगर जनवरी में होता है तो आपको फिर मौका मिलेगा 15-20 या 1 महीना पहले। अगर सपोज कर लीजिए 15 जनवरी को रैली होती है, तो 15 दिसंबर के आसपास फिर से एप्लीकेशन भरने के लिए मौका मिलेगा, जिन्होंने पहले विंडो में नहीं भर पाए थे। जिसने पहले भर लिया है ऑलरेडी, उसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। जिसने ऑलरेडी भर लिया है उसको जरूरत नहीं है, जो नहीं भर पाया था वो भर सकता है। तो ये रैली कब होगी, इसका क्लियर इंडिकेशन मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। बट अक्टूबर में जो एज ऑफ नाउ ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पे आपने देखा होगा कि अक्टूबर में उसका डेट दिया हुआ है, वो मोस्ट लाइकली पोस्टपोन होके दिसंबर या जनवरी में जाने की संभावना है, क्योंकि जब तक कोविड का सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आता, रैली करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये रही हमारी अपडेट जो है आने वाले रैली की। जिसने एप्लीकेशन भर दी है उसको आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने नहीं भरी है उसके लिए दोबारा महीने भर का मौका मिल जाएगा। जब भी रैली होगी आपको दोबारा मौका मिल जाएगा, आपको दोबारा इंटीमेशन हो जाएगी, आपको जिला कार्यालय से भी, जो आपका रोजगार कार्यालय कचहरी है उससे भी मिल जाएगी, और आपका एडवर्टाइजमेंट ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पे भी आ जाएगा। बोलिए बोलिए। ओ चलिए, अभी आज जो दिसंबर में जो 10वें महीने में जो रैली आने वाली है, वो कंफर्म है कि वही महीने में आएगी कि दे लेट जाएगी थोड़ी? पूरा रामायण सुन ली, पूछ रहा है राम कौन है, पर क्या फायदा बताओ है। नहीं सर जी, मैंने मैं लेट बोला हो ना, अक्टूबर गया था, में लेट हो रैली गया मोस्ट था थोड़ा सा, इसलिए। प्रोबेबली अक्टूबर में रैली नहीं होगी। जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है वो पोस्टपोन होने की संभावना है, हो सकता है वो दिसंबर या जनवरी तक पोस्टपोन हो जाए। ठीक है। हाँ, थैंक यू।